हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का एक नया ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे, जैसे आपको अगले ब्लॉग में हम दिखाए थे गन्ना का खेती, जैसे यहाँ इधर हम लोग इधर केतारी बोलते हैं और अलग अलग गंज में अलग अलग नाम बोलता है। आज हम आप लोग को वही गन्ना की खेत दिखाएंगे और वो भी दिखाएंगे कैसे कटता है और कैसे लोड किया जाता है और कैसे सब कुछ किया जाता है, आपको हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगले ब्लॉग में जैसे हम बोले थे गन्ना का रोपता भी और ये भी दिखाएंगे। इतनी ज़्यादा ठंड हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे कितना ज़्यादा फोग है। चलिए हम पीछे कैमरा भी करके दिखाते हैं कितना ज़्यादा बहुत सारा फोग है। इधर हम लोग इसको कोहेस बोलते हैं, लेकिन अलग अलग जगह में इसको अलग अलग चीज़ बोला जाता है। जैसे अलग कंट्री में हो कहीं फोग तो कहीं और कुछ अलग अलग चीज़ बोला। यहाँ देख सकते हैं मेरा पीछे कितना ज़्यादा फोग है, मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहे कि इधर कल तो उतना ठंड नहीं थी, कल का ब्लॉग में आप लोग देखे मेरा कितना उतना ज़्यादा फोग नहीं था, मतलब थोड़ा मोड़ा मात्र फोग था, मतलब दूर तक तो दिख रहा था, मतलब नज़दीक तो नहीं दिख रहा था। अब देख सकते हैं मेरा पीछा कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ठंड। अभी इधर पल्ला गिर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी टपकते रहता है वैसे टपकता और बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी है जैसा बरसात। बांस के पास अभी हम आप लोग देख सकते हैं, ये रहा बांस, यहाँ का भी ब्लॉग हम बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके लीज। अब उतना बात नहीं करते, अब चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं और सब कुछ दिखाएंगे आप लोग को हम अच्छा से। कृपया हमारे साथ बने रहे लीजिए, अब चलते से फिर मेरा ही पास में इधर एक केतारी कट रहा था, यही दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग का भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, एक आदमी लिखा है भाई केतारी की खेती कब दिखाओगे, एक भाई लिखा हुआ केतारी भाई जल्दी दिखाओ नहीं इतना दिन हो गया, बोलो काहे नहीं आ रहा। बहुत ही आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत ही अच्छा देख रहे हैं हम भी, और आप लोग को भी खातिर इतना अच्छा मेहनत करते हैं और आप लोग को भी हम दिखाएंगे। लीजिए आप चलते, उतना बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ऐसे हम बोलोग, लीजिए आप जल्दी शॉर्टकट दिखा देते। आप लोग का भी बहुत टाइम बहुत ही कीमती होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम अभी कोई देना नहीं चाहता है, अभी सबको टाइम कीमती रहता है। लीजिए उतना बातचीत नहीं करते, अब चलिए आपको हम दिखाते हैं वहाँ पर और रास्ता का भी वीडियो इधर उधर छोटा ही ब्लॉक रहिए, ब्लॉक ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। लीजिए अब चलते जी, अब हम लोग जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर, मतलब ये जो रास्ता है राजा ईटा भट्टा जो उसी से पड़ता है और उसी देख जाना पड़ता है। ये जब देख रहे कैमरा लिए, ये मेरा दोस्त है और इसका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है संतोष सरदार, उस इसका भी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे ये रहा भट्टा, आगे थोड़ा ही दिन में लीजिए हम लोग केतारी के खेत में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे केतारी काटा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का इधर ये केतारी खेत जो होता है, यहाँ पे केतारी काटा, इसका जो पत्ता होता है जो सूखा पत्ता होता है, जो उस पत्ता का हम लोग खाना भी बनाते हैं, उससे खाना बहुत ही जल्दी और बहुत ही जल्दी हो जाता है। हम लोग गाँव में रहते हैं तो गाँव में उसी हिसाब से हम लोग खाना बनाते हैं, और जो हरिहर पत्ता होता है जो हरा पत्ता है उससे हम गाय माल को चारा हो जाता है, और गाय माल को उस खाना कुट्टी काट के उसको हम देते हैं खाने। यहाँ पर लोग देख सकते हैं यहाँ से इसको बांध के ले जा रहा है, जो इससे अभी खाना बनाएगा, जिसको जो काम रहेगा इसमें टाट वाट सब बना सकता है, इससे वो सब भी बनाता है। आप लोग देख सकते हैं ये रहा केतारी जो कट के यहाँ पे बोझा बन के रखा हुआ है, जो अभी थोड़ा देर के बाद ट्रैक्टर आएगा और इसमें को लोड करके मिल ले जाएगा, मिल का भी वो लोग बनाएंगे दो थोड़ा दिन के बाद। अभी देख रहे हैं इधर आप लोग कितना ज़्यादा केतारी लगा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे केतारी देख कितना अच्छा और कितना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी केतारी देखने में मज़ा लगता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा और मीठा होता है। ये केतारी पहाड़िया केतारी हुआ जो अभी मोटा है, सब दो तीन रंग के केतारी होता है, लेकिन ये पहाड़ी केतारी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और चलिए आपको हम आगे भी दिखाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग चल रहा है केतारी जो हम बोले थे लोड करेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जहाँ तक भी आप देखिए यहाँ पे हम लोग केतारी खेती बहुत ही ज़्यादा करते हैं। आप लोग देख सकते जहाँ भी देखिएगा वहाँ भी केतारी केतारी कहीं कट रहा है तो कहीं लगा ही हुआ है और कहीं कटा हुआ हो गया, और खेत में भी आग लगा देगा फिर से ये दोबारा फसल होगा। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे केतारी कट रहा है, जैसे बोले हम केतारी कटना अभी वहाँ भी ले जाइए। आप देखिए यहाँ पे छील रहा है केतारी, जो अब कच्चा पकार देख रहे हैं उसे अलग रखता है यार,
और सूखा हुआ अलग रखता है और यहाँ पे बोझा बन के रखा जाता है। सो ये बोझा बन के रखा जाता है, केदारी जो टक पर लोड करता है, लोड करने में बहुत ही आसानी होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोई काट रहा है तो कोई माथ रहा है, कोई कुछ सब अपना अपना काम कर रहा है, जिसका जो काम है सबका अपना अपना काम बटा हुआ रहता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा केतारी है। हम लोग सब ये केतारी हाथे से काटते हैं और हाथे से इसको माठा जाता है और हाथे से इसको बोझा भी बांध कर हाथे से उसको ट्रैक्टर पर लोड करके और मिल ले जाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है केतारी का खेती भी करने के लिए। आप लोग का हम लोग इधर गाँव में पढ़ते हैं, हम लोग का इधर खेत हुआ, सब कुछ किसान है, हम लोग भी खेती करते हैं। यहाँ पर बूढ़ा हुआ, मर्द हुआ, जो हुआ सब यही काम करता है। बाहर भी जाता है, दूसरा देश से भी काम करता है और यही भी काम करता है। तो देख सकते हैं अभी कितना सारा आदमी केतारी माट रहा है, बूढ़ा भी माटता है, बुढ़ियार भी सब आदमी यहाँ पे माटता है। आप देख सकते हैं अभी पूरा यहाँ पे पूरा पलोट है, उस पलोट में हम लोग केतारी लगाते हैं। इधर का केतारी कट चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। लोग देखें लीजिए, आप चलते हैं, हम लोग देख सकते हैं इधर, ये आप देख रही है यहाँ पे भट्ठा का ऑफिस है, जहाँ पे हम भट्ठा दिखाए हुए हैं उसी का ऑफिस है यहाँ पे। अब जी ये देख रही हो, अब यही ऑफिस का यहाँ पे पोखर है, जिससे मिट्टी निकाल के यहाँ पे ईंटा बनाया जाता है। इसमें भी यहाँ पे मछली भी दिया, मतलब मिट्टी भी निकला जाता है और मछली भी पोस लेता है। इसमें मछली दिया हुआ है, जिससे मछली भी हो जाता है और यहाँ पे दोनों तरफ से दोनों कमाई भी होता है। इस पोखर में यहाँ पे मछली दिया हुआ, वो देख रहे वहाँ पे ऑफिस हुआ, वहाँ से रखवाली भी करता है इसका। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ जा रहे, अब यहाँ जाएंगे भट्ठा से होते हुए घर जाएंगे। फिर चलिए आप चलते हैं यहाँ से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग निकल चुके, हम लोग दोनों दोस्त हैं, उसका भी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ उसको भी। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके, आप लोग देखे कितना अच्छा केतारी था और सब आदमी कितना अच्छा से मिल के काट रहा था और छील रहा था, कोई काट रहा था, कोई छील रहा था, कोई कुछ कहीं पे गाड़ी पे लोड कर रहा था। बहुत ही अच्छा लगा घूम के और देखने में, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा देखने में। अगर मेरा चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मेरा भी 200-300 सब्सक्राइबर पूरे होने वाला है, प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। आप लोग का भी सपोर्ट अच्छा रहता है, अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरा ब्लॉग को भी लाइक कर दीजिएगा। लेकिन अपना ब्लॉग के एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।